सर्दी आते ही बाजार में तुअर की मांग बढ़ जाती है। वैसे कचौरियाँ तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये कचौरी है कुछ खास। आज हम बनाएंगे तुअर की कचौरी। पहले हम तुअर के दाने को निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। हम कचौरी का आउटर लेयर बनाएंगे, इसके लिए हमें मैदा लेना है। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो। एक पैन में तेल डाल के इसमें हींग, तिल और क्रश किया हुआ तुअर डाल देंगे। इसमें नारियल का बुरादा, हल्दी, कट किया हुआ हरा लहसुन, हरा धनिया, नींबू का रस, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट, भीगी हुई किशमिश, नमक और शक्कर डालकर मिक्स कर लेंगे। बाद में आटे को पूरी की तरह बेलकर कचौरी बना लीजिए। सर्दियों में जिन्हें खांसी जुकाम हो, हड्डियों की समस्या हो या फिर कुछ नया खाना चाहते हो तो इस विंटर में तुअर की कचौरी जरूर खाएं।